आज हम आपको असम से आ रही एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद हैरान कर देने वाली है। इस खबर के बारे में जिसने भी सुना उसको तो यकीन ही नहीं हुआ। बता दें कि 20 मई से असम के तिनसुकिया में बना हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम खराब पड़ा हुआ था। खराब एटीएम के लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कर्मचारी एटीएम ठीक करने पहुंचे तो उन्हें एटीएम मशीन में कुछ ऐसा दिखा जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जब एटीएम मशीन को ठीक करने कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने एटीएम मशीन को खोला तो उन्हें दिखा कि मशीन के अंदर जितने भी नोट थे उन्हें चूहों ने कुतर दिया है। मशीन में मौजूद नोटों की कीमत 10-20 हज़ार नहीं बल्कि लाखों के आसपास थी। नोटों की ऐसी दशा देखकर वहां मौजूद कर्मचारियों ने अपना माथा पकड़ लिया। चूहों के नोट कुतरने से SBI को भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में SBI के अधिकारी ने बताया कि तिनसुकिया में बना ATM 20 मई से किसी तकनीकी वजह से बंद हो गया था। जब इस ATM के खराब होने के बारे में हमें पता चला तो हमने ATM का रखरखाव कर रही कंपनी ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन से शिकायत की और फिर कंपनी ने ATM को ठीक करने के लिए 11 जून को कर्मचारी को भेजा। SBI के अधिकारी ने यह भी बताया कि ATM में मौजूद 12,38,000 कीमत के नोट चूहों ने कुतर दिए और सिर्फ 17 लाख रुपए ही बच पाए हैं। जिस दिन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस ने इस ATM में 29 लाख रुपए डाले थे उसके अगले ही दिन से ATM ने काम करना बंद कर दिया था। ATM के खराब होने की शिकायत हमें मिलती रही। इस घटना की जांच करने के लिए बैंक ने FIR भी दर्ज करवाई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना एक सोची समझी साजिश है। लोगों को शक इसलिए हो रहा है कि बैंक अधिकारी ATM को ठीक करने एक महीने बाद आए, पहले क्यों नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी ये एक सोची समझी साजिश लग रही है? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।